हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आज हैं हम लोग ऑरेंज ऑरेंज। और गाइस, आज बड़ा स्पेशल डे है। आज है 18th जैन, और आज के दिन हमारे शादी को 35 months कंप्लीट हो गए हैं। ये और नेक्स्ट मंथ है हमारी एनिवर्सरी। यस, और आफ्टर 2 days इनका है बर्थडे। काफी लोगों की विशेष आने लगी थी। कुछ लोग हैप्पी बर्थडे बोल दिए थे, कुछ लोग एडवांस में विश करने लगे थे। तो मतलब थैंक यू हालांकि सो मच। हालांकि बर्थडे परसों है, 22। लेकिन थैंक यू कि आप लोग इतना मतलब प्यार से सारा ब्लॉग्स देखते हैं, और एक एक छोटी छोटी चीजों को आप लोग नोटिस करके जब कमेंट करते हैं ना, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं आज का दिन क्या होता है स्पेशल। कीप वॉचिंग। तो लंच का टाइम हो चुका है, और आज बना है स्पेशल। क्या बना है आज? सांबर। सांबर और राइस। वाह, आज बना है स्पेशल सांबर और राइस, गर्मा गर्म। मजा आ जाएगा खाने में। ये सांबर गर्मा गर्म राइस, और ये मम्मी बनाई है तिल्ली का लड्डू। देखिए यहाँ क्या हो रहा है गाइस, क्या हो रहा है? गाल में ग्लो लाने की कोशिश। ऐसे करके ग्लो मेरा हो जाता है फन है, मेरा यार। मैं भी ऐसे ही फन करूंगा, ग्लो हो जाए थोड़ा। भगवान है। कि ऐसा बोलना पड़ेगा, भगवान ग्लो आ जाए। ये भगवान ग्लो नौटंकी। आने अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक हाँ। है? मान लीजिए कि आपका बर्थडे है और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो आप ड्रेस क्या पहनेंगे? देखना पड़ेगा कुछ कबर्ड से। अच्छा, देखना पड़ेगा। पिछले साल बर्थडे में ब्लैक कलर का लहंगा पहना था मैंने, ब्लैक ऑरेंज। तो इस बार तो लहंगा नहीं, तो कुछ और क्या, कुछ डिफरेंट टाइप की ड्रेस या अच्छा, और एनिवर्सरी में क्या पहनना चाहेंगे आप? कुछ ट्रेडिशनल ओके। वेस्टर्न में पहन सकते हैं। अभी जो बर्थडे में पहनेंगे वो एनिवर्सरी में नहीं पहनेंगे। जो एनिवर्सरी जो में पहनेंगे हम, एनिवर्सरी बर्थडे में नहीं वो पहनेंगे। बर्थडे में वाह, क्या आंसर है आपका! वाह, पहनेंगे। क्या आंसर है सही में! सही बोला है ना, सही बोला ना। अच्छा, लेकिन जो आप मेरे बर्थडे में साड़ी पहने थे रेड कलर की, हाँ वो कुछ मतलब डिफरेंट था। डिफरेंट थी, और उसके लिए काफी मतलब कमेंट्स आए हाँ हैं ना। बहुत ज्यादा। इनकी मेरे बर्थडे में इनकी भी न्यू ड्रेस थी, मतलब साड़ी इन्होंने न्यू ली मैंने थी। और इनके लिए और ड्रेस जो स्टिच करवाया था वो कंप्लीट सूट, तो उससे मैचिंग करता हुआ लिया था मैंने आपके लिए रॉयल ब्लू और रेड, वो क्या बोलते उसको, पॉकेट स्क्वायर टाई। एक्सेसरीज मतलब रेड थी, तो उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से रेड मैंने साड़ी पहनी थी, क्योंकि अगर रॉयल ब्लू के साथ रॉयल ब्लू पहन ले तो थोड़ा सा ब्लू ब्लू ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने यस, कंट्रास्ट आज ब्लू है कॉम्बिनेशन पानी 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 पानी। आज आज वाकई में यार, मतलब क्या कोइंसिडेंस हुआ है कि मैं जैसे ही टी शर्ट पहन कर निकला हूँ बाहर रूम से, और ये भी ऊपर से आई है नीचे ऑरेंज। तो ये क्या हुआ, ऐसा लगा ये तो मतलब वो अरे चीज काम रिपीट तो हो गई है ऑरेंज जैसे होता हमारा पहले हो जाता था शादी से है। पहले। अच्छा, और क्या पूछा जाए आपसे? ऐसा लग रहा है जैसे कोई एग्जाम चल रहा हो मेरा। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि आप मेकअप करते हैं, आपको शौक है, तो
कब मतलब कब से ये शौक आया कि मुझे मेकअप करना या मतलब सीखना चाहिए, कि मुझे ये मतलब एक होता है ना इंटरेस्ट जागता है, तो कब आपका इंटरेस्ट स्पीड हो जाना है? मैं ऐसा लग रहा है कॉलेज जैसे मैं आपका कॉलेज कॉलेज इंटरव्यू ले रहा कॉलेज हूँ। समय पे, कॉलेज के टाइम पे। कॉलेज के टाइम से? क्यों, किसी लड़के ने बोला था आपको कि आप अच्छी लगती हैं मेकअप में, कि क्या था? नहीं, मेकअप में अच्छी लगती है ऐसा कुछ किसी ने नहीं बोला था। मुझे करने का शौक जागा था, ये अलग बात है। ऐसा अच्छा जरूरी थोड़ी था कि कोई बोले तभी। सही। और फिर कॉलेज में बहुत सारे ब्राइडल के मैंने मेकअप किए भी। अगर मेरी फ्रेंड मेरा वीडियो जरूर देख रही होगी तो उसको पक्का पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। चलिए अच्छा। अच्छा आप किस मेकअप आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा फॉलो करती हैं? मीनाक्षी दत्त और पारुल गर्ग। शुरू से ही, काफी टाइम से? अच्छा शुरू से नहीं, शुरू में किसी और को फॉलो करती थी, फिर उसके बाद इनके काफी टाइम बाद आया नंबर। और आपका कोई तो ऐसा फेवरेट एक्टर रहा होगा ना जो शुरू से लेके अभी तक मतलब सेम है, कि जैसे लोगों का होता है कि समय समय के हिसाब से चेंजेस होते जाता है, तो नहीं, सलमान खान। मैं जब फर्स्ट टाइम मूवी देखी थी, मेरी पहली मूवी थिएटर में बीवी नंबर 1 थी, उसमें भी सलमान खान था। सेकंड मूवी हम साथ साथ हैं थी, उसमें भी सलमान खान था। हाँ उसमें सलमान खान था। हाँ ओ माय हाँ गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो तब से बोले कि फेवरेट एक्टर में वही है, सलमान खान ही है। फिर बदल गया। अब कौन हो गया है? अब कोई और हो गया है, मतलब थोड़ा ना नाम तो फिफ्टीन होगा, से बदल नाम तो गया। होगा कुछ, 15 से बदल गया। नहीं नाम तो होगा कुछ। नाम नहीं लेती मैं। वाह, अपने फेवरेट एक्टर का नाम नहीं ले सकते हैं आप? मुझे भी जानना है ना कि कौन है। नाम नहीं लेती, मेरी शादी हो गई। तो मैं शादी होगी तो फेवरेट एक्टर से 2015 में उसको फेवरेट बनाया और 18 में शादी हो गई। यहाँ पर तो हम लोगों की पसंद सेम है, क्योंकि मैं भी जब से मतलब मूवीज वगैरह देखना स्टार्ट किया हूँ, तब से मेरा भी अभी तक सेम मतलब नो चेंजेस, सेम मतलब सलमान खान इज माय मतलब क्या बोलूँ मैं, डाई हार्ड फैन हूँ मैं, और ही इज माय आइडल। बहुत सारी चीजें उसकी इतनी अच्छी है कि मतलब अच्छा लगता है देखकर। सो ये तो हो गए इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ऐसे ही बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं और कमेंट्स करते रहते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि आपकी शादी कैसी हुई, अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है, घर में कौन कौन है, जया जयश्री किसकी सिस्टर है, मेरी है कि इनकी है, ये सारी चीजें। तो ये सब चीजों के लिए हमने बहुत बार आंसर दे चुके हैं, और अगर अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है तो हमने हमारा लव स्टोरी का पूरा वीडियो बना के वीडियो डाला हुआ अपलोड है। किया है, और वो हाँ अलग अलग पार्ट में है। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा होगा तो जाइएगा, देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा, और बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी लव स्टोरी। सो गाइज, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं प्रिया से क्वेश्चंस क्यों कर रहा था। अगर नहीं समझे तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस करने का ये रीज़न था कि मैं जानूं कि वो किस तरीके की ड्रेसेस पहनना पसंद करेंगी बर्थडे में या फिर एनिवर्सरी में, या मतलब जो भी है। तो मतलब मैं जो भी उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बातों बातों में पूछ लिया जाए, और इसलिए वो क्वेश्चंस का सिलसिला थोड़ा मैंने आगे तक बढ़ा दिया कहीं शक ना हो। तो आज मैं देने जा रहा हूँ उनको सरप्राइज इवनिंग में, तो इवनिंग का व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। लव यू ऑल। इस व्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक, मिलते हैं इवनिंग में एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।